गुड मॉर्निंग क्लास 11, लास्ट डे। आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट कंटिन्यूज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दिशा में एज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोजेक्ट परफेक्ट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंट्रोडक्शन। क्लियर? आई मीन हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, अथवा या है, ही है, ये है, या ही हूं, या हूं, या आया हूं, आई है, आए हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसे भगा दिया है, वो चली गई है, ये सारी जो पहचान है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। अब देखिए इसके बाद, इसके अंदर सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो है किया, है आती है, और वर्ब कौन सी होती है? वर्ब होती है V3। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जैसे कि SS होता है या PS होता है। SS मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और PS मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, ठीक है ना? या SN या PN, SN सिंगुलर नाउन और PN प्लुरल नाउन। तो ये शॉर्ट में है PN प्लुरल नाउन, SN सिंगुलर नाउन, ठीक है ना? जैसे अभी और SV और PV, SV और PV, SV मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और PV मतलब प्लुरल वर्ब। ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में है जाएगा, और प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में है आएगा, इसका ध्यान रखें। और यहां जो मैंने बताया था सिंगुलर नाउन या प्लुरल नाउन, तो उसके साथ में भी ये सेम तरीका ही है कि इसमें भी है भी आता है और इसमें भी है आता है। अब सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब कौन सी होती है? तो इसमें देखिए है जो है वो सिंगुलर वर्ब है और हैव जो है वो प्लुरल वर्ब है। ये बात ध्यान रखें, अच्छी तरह से इसको समझें। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर? अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसकी पहचान आपको बता दी है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है वो चीज मैंने बता दी आपको। इसमें वर्ब कौन सा आता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसके अंदर हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है वो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब जो है या हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई टाइम दिया हुआ है वो आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर कुछ टाइम एडवर्ब भी होती है वो मैं आपको बता देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो भी साथ साथ में लिख लेते हैं ताकि इसके बारे में अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। अब इसकी टाइम एडवर्ब क्या होती है? जैसे कि हमने लिखा सबसे पहले ऑलरेडी, ऑलरेडी के बाद में सो फार, फिर लिखा जस्ट, फिर लिखा सिंस, फिर लिखा फॉर,
फिर लिखा रिसेंटली और फिर लिखा हमने यट एसेट्रा। यह इसके साथ दे दिया मैंने। जैसे मैंने क्वेश्चन रखा, मैं पहले से ही अपना काम पूर्ण कर चुका हूं। मैं आई हैव लगेगा, आई हैव ऑलरेडी, मैं पहले से ही पूर्ण करना यानी कंप्लीटेड, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अपना काम। माय वार यानी आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वार। और जब इसमें अगर क्या आ गई, ये आपका ऑलरेडी आ गया, इसको ध्यान दें, इसको समझे, अपने दिमाग के अंदर रखें इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मैं अब मैं का ऊपर हो गया ना, रेखा कर लेते हैं, रेखा अभी अभी घर गई है, अभी अभी यानी जस्ट, तो क्या हो जाएगा, रेखा है सिंगुलर है क्या, रेखा है जस्ट जाना, वो किधर गॉन, गॉन हो जाएगा, रेखा है जस्ट गॉन टू होम। ये बन गया इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, वे विद्यालय छोड़ चुके हैं या वे सोमवार से, सोमवार से विद्यालय, या पिछले सोमवार को लिखते थे, क्या लिखोगे, पिछले सोमवार को, पिछले सोमवार से विद्यालय छोड़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव लीविंग, छोड़ना लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट द स्कूल, वे विद्यालय छोड़ चुके हैं, कब से, पिछले सोमवार से, यानी सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे। ये बन गया इसका, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ओके। अब इसकी जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जो दी है उसके अनुसार फिलअप जो करना होता है, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यदि करना होता है कंप्लीट, उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे उसकी कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे सी स्पेस ऑलरेडी स्पेस इट ए लॉट ऑफ सीड्स, वो पहले से ही बहुत सारी मिठाइयां खा चुकी है, अ लॉट ऑफ सीड्स। दूसरा आई नॉट फिनिश माई वर्क येट। थर्ड दे नॉट गेट देयर वर्क सो फार। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रवि हैज जस्ट स्कोल्ड हिम। और देखो सब में प्रोजेक्ट परफेक्ट की, ये यहां
ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट ऑलरेडी यहां वर्ब के साथ में लगेगा, ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, इसके अंदर ऑलरेडी आया है तो सी हैज लगेगा, सी हैज ऑलरेडी, और इट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एटर। आई स्पेस नॉट फिनिश माई वर्क येट, इसके अंदर एडवर्ब आया है येट का, इसमें ऑलरेडी था तो आई के साथ में लगेगा हैव, आई हैव नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड। और दे स्पेस नॉट गेट देयर वर्क सो फार, इसके अंदर एडवर्ब क्या है, सो फार, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हैव नॉट गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा। रवि आया, इसके अंदर भी जस्ट एडवर्ब है, रवि एक वचन है, सिंगुलर है, जस्ट स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्कॉल्डेड, रवि है जस्ट स्कॉल्डेड हिम, ये है आपकी एडवर्ब, ठीक है।